ये है दिल्ली दर्पण। धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव हैं, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धन की आस कहाँ होती, वो जीवन सादा ही जीता है, उसको धीरज कौन बंधाए, अपने आंसू खुद पीता है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पुनीत गुप्ता। किसान आंदोलन को शुरू से कवर करते हुए टीकरी बॉर्डर पर हमें, और टीकरी बॉर्डर पर हमने पहले भी आपको हाल दिखाया था कि किस तरीके से किसान यूनियन यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं टीकरी बॉर्डर पर, और अब जिस तरीके से बातचीत का दौर भी बढ़ता जा रहा है, बैठकों का दौर भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो संख्या यहाँ पर किसानों की वो भी बढ़ती जा रही है। खाने पीने में कोई समस्या ना हो इसलिए विधानसभा मुंडका ये पड़ती है, मुंडका विधानसभा में आपकी सुविधा के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक हैं और यहाँ पर लोगों के खाने पीने की सुविधा यहाँ पर पूरी पूरी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की खाने पीने की समस्या यहाँ पर लोगों से ना बन सके। भाजी, खाने पीने की कोई दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत यही है कि साढ़े कानून है ये वापस लेने चाहिए, ये दिक्कत है भी सारे किसानों का हरियाणा पंजाब एक है, एक ना जितांगे, काले कानून वापस लेने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर भारी संख्या में किसान भी हैं, और जो विधायक हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा, विधायक धर्मपाल लाखड़ा जी भी हैं, इनके साथ किसान भी भारी संख्या में मौजूद है। और जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ यहाँ पर इस तरीके से जो सब्जी है और खाना है, किसान भाइयों को किसी भी तरह की खाने पीने की दिक्कत ना है यहाँ पर सप्लाई की जा रही है, शुरू से किसान चल रही है। और जब तक आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये इसी तरीके से खाना बढ़ता रहेगा। खाने पीने की कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, खाना पीना मिल रहा है पूरा पूरा हरियाणा पूरा। इसे कितना फायदा हो रहा है जी? ये आपकी रसोई से कितना फायदा हो रहा है? फायदा नहीं था ऊपर ले जाए, कोई नहीं, संघर्ष के बच्चे हरियाणा पूरे ही छाते रहे, लंगर का कोई भी तोड़ा नहीं, इतों मेरा 30-30 किलोमीटर ट्रालियां खड़िया ने। हरियाणा साढ़ा भाई है, बहुत बड़ा साथ दे रहा है, असी इन्हों के बड़े भरा छोटे भरा हरियाणा पूरे ही सहयोग दे रहा है, बच्चा बच्चा सहयोग दे रहा है, पर असी मोदी सरकार को दसदे हाँ असी जाने वाले नहीं, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं करेगा, पर समा सानू साल लग जाए इतने कोई प्रबंध का तोड़ा नहीं इतने। ठीक है, राठी जी कितनी सुविधा चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर सुबह चाय की व्यवस्था होती है, दोपहर को खाने की व्यवस्था होती है, 4-5 हज़ार किसानों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, यह केजरीवाल जी की तरफ से है, और कार्यकर्ता सब मिलकर के खाने की व्यवस्था करते हैं। विधायक जो हमारे धर्मपाल लाखड़ा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं, अभी साथ में बैठे हैं, खाना बंटवा रहे हैं। धर्मपाल लाखड़ा जी हालांकि बुजुर्ग हैं और इस वक्त भी खुद ही पूड़ी और सब्जी यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। और कब तक रहेगा आपकी ये सेवा? ये सेवा जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक आपकी रसोई चलती रहेगी, और अरविंद केजरीवाल जी इन किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, शुरू से खड़े हैं, और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। हम मोदी सरकार से भी अपील की है, केजरीवाल जी ने इनकी तमाम मांगे मानी जाए, और जब तक केंद्र सरकार किसानों की सारी मांगे नहीं मानेगी, आम आदमी पार्टी के जो किसान पुत्र कार्यकर्ता हैं ये किसानों के बीच में रहेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, ये हमारे भाई हैं, पंजाब से उठ के आए हैं, इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब विधायक जी से बात कराते हैं और वहाँ पे चलते हैं, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं राठी जी। और देखिए, लाइन बड़ी लंबी है यहाँ पर अगर बातचीत की देखा जाए खाने पीने की, क्योंकि खाने पीने की जो सुविधा है वो सबसे मुख्य सुविधा होती है, खाना पीना अगर सही से मिलता रहे तो। और से लेते ना, यहाँ से ले लेंगे, बातचीत करते हैं। मर्द वही होता है जो चुनौतियों का सामना ही करता रहे और पीछे ना हटे, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। जब से हम विधायक बने हैं कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती रही हैं, हम उनका सामना करते रहे डट के, और डट के करते रहेंगे। अब जैसे हमारा एक किसान आंदोलन चल रहा है, जब तक हमारी भाजपा सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, किसानों की शर्त नहीं मानी जाएगी, जब तक किसान भी डटे रहेंगे और हम भी सेवा में डटे रहेंगे।
अभी क्या लग रहा है आज शाम, क्योंकि बैठ के तो हो रही है, आप लोग जब तक ही डटे रहेंगे, मतलब आपका भी एक तरीके से माना जाए कि आंदोलन साथ में ही है? साथ में क्यों, हूँ मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ आज भी हूँ, और मैं किसानों के साथ हूँ, और हमारी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी का तो हमेशा है किसान मजदूर का साथ रहा है, आम आदमी पार्टी तो है ही किसान मजदूर की, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आम आदमी पार्टी तो है ही किसान मजदूरों की, ये भाजपा नहीं है जी। खाना पीना तो हमें दिख रहा है, इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं आप? नहीं, हमारे पास जो है देखो, सुबह नाश्ते में होता है, कभी ब्रेड पकौड़े होते हैं, कभी चाय पकौड़े होते हैं, कभी स्नैक्स होते हैं, और कभी बिस्किट होते हैं, तो सुबह हम नाश्ता देते हैं, नाश्ता हमारा शुरू हो जाता है सुबह 8 बजे, और अभी 3 बजे तक हमारा कम से कम खाना चलेगा, और अगर फिर भी हमारे पास लाइन रहेगी तो हम 4 बजे तक चलाएँगे, उसके बाद फिर हम चलाएँगे चाय, फिर चाय और ये होगा, उसके बाद 6 बजे हमारे कार्यकर्ता जो छुट्टी कर जाते हैं, फिर सुबह सबसे पहले 7 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है सफाई से, पहले सफाई कराते हैं, फिर शौचालय और पानी का इंतजाम देखते हैं, फिर उसके बाद लोगों को नाश्ता देने का काम करते हैं, नाश्ता ख़त्म होता है हम खाना देते हैं जी, और जब तक ये आंदोलन रहेगा चाहे 6 महीने रहे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, और करते ही रहेंगे। स्वास्थ्य से भी रिलेटेड कुछ सुविधाएं यहाँ पे दे रखी है? हमारी जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, 3 एम्बुलेंस घूम रही हैं यहाँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, पानी से हो, खाने से हो, जो भी सरकार से चाहिए वो सरकार देने को तैयार है, सरकार का पूरा समर्थन है किसान लोगों के साथ। और देखिए, पूरे इस उम्र में भी अगर देखा जाए, शुरू से जब से विधायक बने हुए, चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, और अभी खुद भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, शाम के 4 बजे तक रहेंगे? मैं जब तक ये लाइन रहेगी जब तक रहूँगा, आप मेरी बेइज्जती ना करें कि मैं इस उम्र में, अभी तो मैं जवान हूँ, बच्चा हूँ, अभी मेरा थकने का या मैं किसान का बेटा हूँ, मैं 24-24, 36-36 घंटे काम करता रहूँगा तो भी मैं थकने वाला नहीं हूँ। हमारे जो किसान भाई आए हुए हैं, इनकी उम्र देखो 85 साल है, ये नहीं थकते तो मैं कैसे थक जाऊँगा, मैं तो इनके सामने बच्चा हूँ। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज भी विधायक जी अपने आप को जवानी मानते हैं। मैं ला रही टोली से 2 ट्रेली भर के आई, समझ में हरियाणा साथ से पंजाब गए, उसका भाई है, हर तरह साथ से सारी चीज़ों में सहयोग देगा, भाई जो आदेश देगा उस आदेश में तैयार है, सारे तैयार है उसके खेल। मैं सर पाशा जी भी मौजूद है, पाशा जी इस तरीके की सुविधा वैसे दिल्ली के सभी बोर्डों में देखने को मिल रही है? सर ऐसा है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली दर्पण का, और दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने भी ये आदेश कर दिया सभी अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, पार्षदों को, कि बिना राजनीति करें हम किसानों के इस आंदोलन में तन मन। और मैं दिल्ली प्रदेश का युवा अध्यक्ष होने के नाते अपने युवाओं को भी ये एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि आज देखने को मिला कि यहाँ पर युवा साथी ज़्यादा है, और दिल्ली का युवा इन किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और ये किसान आंदोलन सिर्फ ये पंजाब के या हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है, पूरे देश के किसानों के लिए है, और मोदी सरकार को जागना पड़ेगा। जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी, जब तक दिल्ली के एक एक युवा साथी ऐसी सड़कों पे रहेगा, और हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें धरने करना पड़े, चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, दिल्ली का युवा किसानों के साथ खड़ा है। विधायक जी, किसानों के साथ भी आप बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, लग रहा है कि भ्रमित किसान है, कहा जा रहा है कि ये तो भड़काए हुए किसान है, भ्रमित किसान है। ये भ्रमित किसान है, ये बिल्कुल सीधे साधे किसान है, ये आरोप लगाया जा रहा है, इनके अंदर फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ये कभी जो है वो खालिस्तान नाम से, कभी कुछ नाम से, सिर्फ भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल सीधे साधे किसान लोग हैं, बिल्कुल प्योर किसान लोग हैं, इनमें कोई किसी किस्म की बात नहीं है, बिल्कुल किसान है। इनसे बातचीत भी कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर बता रहे हैं आपको कुछ? नहीं नहीं, हमारे को यही बता रहे हैं कि भैया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काला कानून लेकर आई है, अगर ये लागू हो गया तो हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, उनको लोग लूट कर खा जाएंगे, उनकी ज़मीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी, तो ये काला कानून समाप्त नहीं होगा जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, चाहे यहाँ मर कर जाएँ, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे बिना कानून वापस कराए। रात में भी कुछ इंतजाम कर रखे हैं आप लोगों ने सर्दियों के बचाव के लिए, दिल्ली की सर्दी है? हाँ, नहीं नहीं, जितने भी अपने किसान भाई आए हैं ये सारे गांव से हैं, ये कोई भिखमंगे नहीं है,
ये कोई ठग नहीं है, ये बिल्कुल ईमानदार सीधे साधे लोग हैं। ये अपना पूरा राशन लेकर आए थे, आज तक भी इनका राशन इनकी ट्रालियों में भरा पड़ा है। हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, इनका तो बल्कि इस्तेमाल भी नहीं होने दे रहे हम। इनकी इनकी गाड़ियों में ट्रकों में सब माल भरे पड़े हैं। ये वैसे लोग नहीं है, किसान लोग हैं, अपने घर से अनाज सब्जियां दालें चावल सब लेकर आए हुए हैं ये लोग। राठी जी, कितने लोगों का इंतजाम हो जाता है एक बार? जल्दी 4-5 हज़ार किसानों की खाने की व्यवस्था होती है, और हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में है। विधायक हमारे धर्मपाल लाकड़ा जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं। 4-5 हज़ार किसानों का खाना बनता है, ये साथ में जगह ले रखी है, वहाँ खाना बनता है। सुबह चाय पानी होती है, शाम को खाना होता है, और खाने के साथ में लस्सी की भी व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, डॉक्टर सुविधा है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ खड़े हैं, और हम पूरे देश के किसानों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस ना लें, वो जहाँ भी हैं वो वहाँ से चले दिल्ली में आए, और इन किसान भाइयों को, ये हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। सारे देश के किसान यहाँ आए और इस आंदोलन को मजबूती दें, ये सबकी लड़ाई, आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर ये कुछ किसान भाई आए हुए हैं, वी आर नॉट फार्मर, वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, ऐसा क्यों लिखना पड़ा आपको? यहाँ जो है ना, मीडिया भी दो किस्म का है, एक आप जैसे अच्छे पत्रकार भी हैं, लेकिन एक वो जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो आता है धक्के से हमारे मुंह में डालता है शब्द, आप खालिस्तानी हो, आप खालिस्तान लेना चाहते हो, ऐसी बकवास बातें करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं, हमने लिखकर भी लगा रखा है, हम फार्मर हैं, हम किसान हैं, हम मोदी सरकार के खिलाफ आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस थे जो उनको काला कानून बना दिया है, जो हमारी ज़मीन छीनने जा रहे हैं, जो हमारी मंडी सिस्टम को ख़त्म करने जा रहे हैं, बिजली बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 वो ला रहे हैं। हम इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन हम ना कोई खालिस्तानी हैं, ना हम पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बार बार कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ हैं। मोदी जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बहादुरगढ़ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कि जिन्होंने हमें ये महसूस ही नहीं होना दिया कि हम पंजाब से आए हैं, यहाँ लंगर चल रहे हैं, किधरे कुछ ड्राई फ्रूट दूध लस्सी पता नहीं क्या कुछ इन्होंने अपना लुटा दिया है हम के ऊपर। तो हम इनको तो धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार है, उनकी हम बहुत कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं कि मोदी साहब आप अच्छा नहीं कर रहे। ये देश मजदूरों का है, किसानों का है, अंबानियों अडानियों के बाप की जगीर नहीं है। और हमारे पर जो आप धब्बा लगा रहे हैं कि ये कभी शहीन बाग में बैठते हैं, कभी ये यहाँ आंदोलन करने आते हैं, हम तो बड़े आराम से पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, रेल ट्रैक पर बैठे थे, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, तो मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। और जे अगर कोई आदमी बाहर से किसी के घर चलकर आ जाए, उनके गेट पर चलकर आ जाए, तो गेट से निकलकर आदमी घर से बाहर आकर बात सुनता है कि भाई आप इतनी दूर से आओ, क्या बात है, शर्म की बात है कि अंदर बैठे हैं, हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही। और हमें तरह तरह के ये माड़े विशेषण जो हैं ये लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये बैनर पकड़ा हुआ है, अपने हाथ में थामा हुआ है कि वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं हैं, टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं, और मोदी के भी खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी की नीतियाँ जो हैं ये टेररिज्म पैदा करेंगी, मोदी को बदलना चाहिए। तो ये बात है, यही वही बात है कि जो बैनर्स लगा रखे हैं कि हम फार्मर्स हैं और टेररिस्ट नहीं है, और इसी तरीके से सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली सरकार भी देने की कोशिश कर रही है। मुंडेगा से जो विधायक है धर्मपाल लाखड़ा, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर खाने पीने की दिक्कतें किसानों को ना हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कार्यकर्ता हैं वो अपना खाना पीना खा रहे हैं, और इसी तरीके से जो लोग हैं, जो किसान हैं, बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार किसानों को यहाँ पर रोज़ाना खाने की सुविधा दी जा रही है, और खाना भी अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि सब्जी हो रहता भी है, और खाने पीने के जो पूरी फैसिलिटी है वो दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे की जा रही है। विधायक धर्मपाल लाखड़ा यहाँ पे
मौजूद भी हैं, उन सब ने बातचीत भी की। उनका भी ये कहना है कि ये जो किसान है, ये असली किसान है, शरीफ किसान है, ये भड़काया हुआ भ्रमित या टेररिस्ट किसान नहीं है। केंद्र सरकार को इनकी मांगों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता।